अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद समेदवित। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसके टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततःपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि
कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यदवप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुः गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देह आत्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। यतं तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतं तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतम् तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न हैं। गावा विश्यच भूतानि धारयाम्यगमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं
समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविभो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, चित्त तथा अचित्त। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित्त होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अचित्त कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभक्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् चरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदम् उक्तम् मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।